वर्षा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ मंगलसूत्र हॉल वीडियो, जिसमें कि मैंने 5 to 6 मंगलसूत्र ऑर्डर किए थे, बट मुझे कुछ रीज़न से 4 मंगलसूत्र रिटर्न करने पड़े। ओनली 2 मंगलसूत्र मेरे पास बचे हुए हैं, जिसका ऑनेस्टली रिव्यू मैं आपको दूंगी। एंड जो 4 मंगलसूत्र मैंने जो रिटर्न किए हैं, उसका रीज़न ये है कि 2 मंगलसूत्र तो मुझे डैमेज मिले थे, एंड 2 से 3 मंगलसूत्र ऐसे थे जिसके प्राइस तो हाई थे, लेकिन उस हिसाब से मुझे क्वालिटी रिसीव नहीं हुई थी। प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सो वैसे जो प्रोडक्ट रहते हैं, मैं उनको रिटर्न कर देती हूँ जो मुझे अफोर्डेबल नहीं लगते हैं एज अ प्राइस। सो इसीलिए मैंने उसे रिटर्न कर दिया, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती है एंड उसके बाद बारे में बैड भी बोलती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बैड बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं आपके साथ में अपना हॉनेस्ट रिव्यू शेयर करती हूँ। सो मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, वही वाले मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। सो चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एंड सो जो दोनों भी मंगलसूत्र है वो मिंत्रा के हैं, एंड मिंत्रा के बारे में आप जानते होंगे कि वो लोग जो है क्वालिटी प्रोडक्ट हमें सेंड करते हैं। प्राइस थोड़े हाई होते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी होती है। सो इस तरह की पैकेजिंग में मुझे दोनों भी मंगलसूत्र रिसीव हुए हैं, एंड मैंने अभी इसे ओपन किया है। सो इस तरह का बॉक्स है, दोनों भी जो है वोयला फैशन ज्वेलरी से है। आप देख सकते हो, दोनों भी जो मेरे मंगलसूत्र है वोयला फैशन ज्वेलरी से हैं। एंड इससे पहले भी मैंने यहाँ से कुछ ज्वेलरी मंगवाई थी जो मुझे बहुत अच्छी रिसीव हुई है। सो मेरा इस पर थोड़ा ट्रस्ट बैठ गया है अभी। एंड इस तरह से हमें यहाँ पैकिंग मिलती है। ऊपर में एक ISO करके कुछ सर्टिफाइड कंपनी का कुछ लोगो जैसा मिलता है, एंड बैक साइड में इसमें ज्वेलरी केयर टिप्स दी गई है वोयला की। सो इस तरह का है यह। एंड यहाँ पे हमें थर्मोकॉल से पैकिंग मिलती है अपर में भी। सो एंड बाद में पॉलिथीन से कुछ कवर है यह ज्वेलरी मंगलसूत्र। एंड देन यहाँ पे आफ्टर दैट बॉटम में भी यहाँ पे थर्मोकॉल लगा हुआ है। सो इस तरह के हमें मंगलसूत्र रिसीव होता है। आप देख सकते हो, ये जो इयर रिंग दिख रहे हैं, सेम इयर रिंग मैंने यहाँ पे पहने हुए हैं। ये जो इयर रिंग है ये सेकेंड वाली ज्वेलरी से है। दोनों भी ज्वेलरी मेरी मैचिंग है, एंड थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सेम ही है, लेकिन दोनों के जो इयर रिंग है सेम है। सो इस तरह के इयर रिंग इसमें मिले हैं, आप देख सकते हो। मैं ओपन करके दिखाती हूँ। एंड प्राइस वाइज जो है दोनों भी ज्वेलरी मुझे बहुत अच्छी लगी है। अंडर 400 है मेरी दोनों भी ज्वेलरी। एंड जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी जो बोलते हैं, उस टाइप की है यह। वेडिंग सीजन में अभी यह बहुत चलने वाली है। वेडिंग सीजन में इस टाइप की ज्वेलरी पहनना मुझे बहुत पसंद है, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मंगलसूत्र भी पहनना मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं डिफरेंट टाइप के मंगलसूत्र पहनती हूँ। सो आप देख सकते हो, इसका पेंडेंट बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मुझे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड जो इसका जो इसमें जो वर्क किया गया है, बहुत ही फिनिशिंग वर्क किया गया है। आप देख सकते हो, जैसा है पिक्चर में दिख रहा है सेम वैसा ही रिसीव हुआ है। मुझे बहुत पसंद आया है। इसका जो प्राइस है, आई थिंक 314 रुपीज़ है इसका प्राइस। एंड इसे मैं वियर करके दिखाती हूँ। सो वियर करने पर भी यह बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम शॉर्ट भी लेंथ नहीं है इसकी। इसके एकदम शॉर्ट लेंथ नहीं है, ना कि एकदम लॉन्ग लेंथ है, इतना आता है यहाँ मिडल लेंथ तक के। आप देख सकते हो, वियर करने पर काफ़ी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है यह मुझे। आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो मैं प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। एंड बढ़ते हैं अब सेकेंड मंगलसूत्र की तरफ।
सेकेंड वाला मेरा जो मंगलसूत्र है उसी टाइप के बॉक्स में आया था जो मैंने आपको इससे पहले वाला मंगलसूत्र पैकिंग था वो दिखाया, ये मैंने निकाल लिया है इसलिए इसकी पैकेजिंग नहीं दिखाई, बट सेम पैकेजिंग थी। एंड यह भी कुछ इस तरह का है, यह भी जो मंगलसूत्र है मुझे बहुत पसंद आया है। दोनों भी मेरे सेम है, बस इनका जो पेंडेंट है थोड़ा सा डिफरेंट है, बट जो इयररिंग है दोनों के भी सेम है इसी टाइप के। सो मुझे यह भी बहुत अच्छा लगा। इसका रेट उससे थोड़ा सा हाई है, इसका प्राइस इसका 365 रुपीस है आई थिंक। दोनों भी मैं आपको कंपेयर करके दिखा देती हूँ यहाँ पर। सो गाइस, आपको मेरे दोनों मंगलसूत्र में से कौन सा मंगलसूत्र सबसे अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड वेडिंग सीजन में यह जो मंगलसूत्र है बहुत ही यूज़ होने वाले हैं, वेडिंग सीजन के लिए एकदम परफेक्ट मंगलसूत्र है यह, क्योंकि मुझे जो है ऐसे मंगलसूत्र बहुत पसंद है, क्योंकि हम जब साड़ी पहनते हैं तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक आ जाता है। सो ट्रेडिशनल के हिसाब से ये वाले जो मंगलसूत्र है बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों मंगलसूत्र के मैं प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। एंड चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ऐसे ही आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।